आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट के प्रति जागरूक करने के लिए मऊ जनपद के जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को आगे से यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। देखिए, यातायात को सुगम तरीके से चलाया जाए इसलिए पुलिस सक्रिय रहती है। 19 मई को मतदान है, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। दोनों को मिला करके आज जागरूक नागरिकों को, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें सूखी मालाएं पहनाई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, DM और SSP द्वारा, जिन्होंने पहना हुआ हेलमेट उन्हें फूल दिए गए। सभी की गाड़ियों पर अधिक मतदान करने के लिए स्टिकर लगाया गया है। इसी क्रम में विगत 3-4 दिन से लोगों ये अभियान चला रहे थे, धीरे धीरे संख्या हेलमेट पहनने वालों की बढ़ रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य है, उसकी सुरक्षा के लिए हेलमेट न लगाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं तमाम लोग अच्छा लगा कि लोग हेलमेट लगाना शुरू किए, उनको और प्रेरित किया जा रहा है, गुलाबी भेंट किया गया, जो नहीं रहा तो मालाएं पहनाई गई और हेलमेट पहने मतदान करने का एक नया स्लोगन भी आज हम लोगों ने इसमें दिया है कि साथ में मतदान भी करें और हेलमेट भी पहने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत। सर, गुलाब का फूल देने का क्या उद्देश्य है? जो हेलमेट पहन के आ रहे हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है। इससे पहले